जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम तुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीज पत्ते की। नवरात्रि के दौरान यदि कुछ उपाय आप करते हैं, विशेष उपाय करते हैं, तो उससे आपको लाभ जो प्राप्त होता है ना, वह बहुत ही जल्द हो जाता है। इसका प्रभाव बहुत जल्द दिखलाई देता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रथम के 3 दिनों में माँ काली की उपासना की जाती है, उसके बाद के 3 दिनों में माँ सरस्वती की उपासना की जाती है, और उसके बाद 3 दिनों में माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। यह 9 दिनों का जो पर्व है बहुत ही अद्भुत है, और इन पर्वों पर, इन त्योहारों पर, इन दिनों यदि आप कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई आपकी विशेष कामना है, तो वह जल्द भी पूरी भी होती है। बस सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन की जरूरत है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही काम का एक टोटका बताने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ही आसानी से यह हर घर में अवेलेबल भी हो जाता है, तेज पत्ते का टोटका। और इसका जो है ना चमत्कार बहुत जल्द दिखलाई भी पड़ता है। तेज पत्ते का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा असरकारक है, और इसका प्रभाव जो है ना आप स्वयं महसूस भी कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना ऊर्जाएँ कई गुना ज़्यादा होती हैं। आम दिनों की ऊर्जाएँ जो होती हैं, जो आम तौर पर दिन हम सभी देखते हैं, उन दिनों कोई भी आप कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल जितना आपको प्राप्त होता है, नवरात्रि के 1 दिनों में उस कार्य को यदि करते हैं, तो वह हजारों गुना ज़्यादा आपको फल देने वाला होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन संध्या काल के समय यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो भी भक्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा उपासना और आराधना करते हैं, उन्हें कुछ विशेष उपाय को भी करना चाहिए, ताकि आपको बहुत ही जल्द इसका फल, बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट भी मिल जाए। देखिए, पूजा और प्रार्थना जो होती है ना, वह तो आवश्यक होती ही है, और उसके बिना तो माँ भी प्रसन्न नहीं होती हैं। लेकिन माँ की प्रसन्नता के लिए उसके साथ साथ यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो उसका फल ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। माता रानी की पूजा सुबह और संध्या के समय तो की ही जाती है, लेकिन यदि आप घर में निगेटिविटी से परेशान रहते हो, या फिर जितना मेहनत आप किसी भी कार्य में करते हैं उतना आपको उसका परिणाम, उसका फल नहीं प्राप्त हो पाता हो, या घर में सभी सदस्य एक दूसरे से तने तने से रहते हो, आपस में सामंजस्य नहीं है, या फिर लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं, आप जो उन्हें समझाना चाहते हैं वह आपकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपको समाज में भी मान सम्मान नहीं मिल पा रहा हो, घर में एक अट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सा महसूस होता हो, पैसे आपके घर की ओर खींचते नहीं हैं, आपकी ओर जो है ना लक्ष्मी अपने आप ही आती नहीं है, तब यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय से यदि कोई भी नज़रबंद हो या नज़र का दोष हो, तो वह भी दूर होता है। इसके लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन संध्या काल के समय एक मिट्टी का पात्र ले लें, या फिर जो भी पात्र आपके पास अवेलेबल हो वह पात्र ले लें, उसमें 2 तेज पत्ते, 2 लौंग, 2 काली मिर्च के दाने और 2 कपूर की डलियां डाल दें, या फिर यदि कपूर की छोटी छोटी स्टिक्स आती है, यदि वह है तो वह भी 2 आप डाल दें। और अब आपको सबसे अंत में लोबान थोड़ा सा चुटकी भर डाल देना है। इसे जलाएं और संपूर्ण घर में इसका धुआं करें। घर के मुख्य द्वार पर खास कर करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार से ही कोई भी ऊर्जाएं, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जाएं हों या सकारात्मक ऊर्जाएं हों, उनके प्रवेश का रास्ता ही वही है। तो यदि आपके प्रवेश द्वार पर शुद्धता रहती है, सकारात्मकता रहती है, तो संपूर्ण घर का वातावरण अपने आप में ही सुधर जाता है, घर परिवार में तरक्की होने लगती है, बच्चे आपकी बात को मानने लगते हैं। तो यह धुआं पूरे घर में आपको फैलाना है, और उसके बाद जो है माता रानी से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसे वह पूर्ण करने में आपकी मदद करें। जल्द ही आप देखेंगे यह उपाय काम करने लगा है और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगी हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और की जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।